अवसर है कि आप इस प्रकार की फर्स्ट ज्वाइंट फाउंडेशन कोर्स की जो ट्रेनिंग है इसमें उपस्थित हम सब बंधुओं के साथ प्रदेश के सभी जिला केंद्रों से कुछ पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हरियाणा सिविल सर्विस और अन्य सेवाओं से जुड़े हुए नव नियुक्त सब अधिकारीगण उपस्थित सज्जन वृंद, आज इस कोर्स के समापन सत्र पर आप सब लोग यहां से एक प्रकार से दीक्षांत समारोह जैसा होता है दीक्षा लेकर के और अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। अपनी इस ट्रेनिंग को संपन्न करने के बाद आपको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर, हिबा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक नवाचार शुरू हुआ है आपके मार्गदर्शन में। 27 जनवरी 2020 को हमने जॉइंट फाउंडेशन कोर्स हरियाणा सिविल सर्विस के नव नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रारंभ किया था, जिसका पहला चरण जो जॉइंट कोर्स के रूप में है वो आज समापन हुआ है। स्वयं आप हमारे इंचार्ज उपस्थित हैं और आपके कर्मकमलों द्वारा हम इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिलवाएंगे और उनका आप दीक्षांत संबोधन भी करेंगे। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। हमारा इपा में जो हरियाणा सरकार ने पहली बार ऐसा किया कि जॉइंट फाउंडेशन कोर्स इनिशिएट किया है, मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे कि 134 अधिकारी जो हरियाणा सरकार ने रिक्रूट किए वो सभी एक साथ बैठे, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ उनके बीच में, और ये कोऑर्डिनेशन मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी चलता रहे, क्योंकि हमने आपस की कोऑर्डिनेशन दिखाई किस ब्रांच जो है ETO है, DSPs है, SDMs है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करके अपने आप को एक अच्छा कोऑर्डिनेशन पूरे हरियाणा सरकार में बना पाएंगे और अपनी जो हमारा प्रदेश है उसको हम नंबर वन कैसे बना पाएंगे। मुझे ट्रिप्स का जो पार्ट था वो बहुत अच्छा लगा। भारत दर्शन के लिए हमारे ग्रुप्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप्स में, और उसके बाद में उन्हें वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री भेजा गया। इनसे जो भी हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस ले पाए उनको मैं चाहूँगा कि हमारा हरियाणा सरकार और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनको अच्छे से संज्ञान में ले और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सरकार एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कि इनफॉर्मल ग्रुप्स बहुत हेल्प करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल जो रिजिडिटीज हमको कट आउट करने में। तो यहाँ पे जो हमारी दोस्तियाँ हुई हैं जॉइंट फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से, मुझे लगता है कि सरकार के उद्देश्य को सफल करने में बहुत मददगार साबित होगी। मैं यहाँ पर भी मेंटर क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे मेंटर फॉर्मलाइजर मेंबर्स, उन्होंने अपने करियर के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए जो आने वाले हमारे करियर में हमारे कामों में हमारी मदद करेंगे। मेमोरेबल थिंग आई रिमेंबर इज दैट टूर विजिट ऑफ आसा That will cherish forever. हिपा में ट्रेनिंग मेरे लिए देखेंगे कुछ शानदार लम्हों में शामिल है। पूरा 1.5 महीना मैंने नहीं केवल दोस्त बनाए बल्कि मैं कहना चाहूँगा मैंने भाई बनाए। वो पूरी लाइफ टाइम मेरे लिए ऐसे गाइड की तरह काम करेंगे, मेरे इधर से मजबूत कंधों की तरह काम करेंगे। हम मतलब जब आए थे तो स्टार्टिंग में लगा था कि सब नए नए, लेकिन हम सब एक अच्छा ग्रुप बन के जा रहे हैं जो आगे तक हमारे काम आएगा। और सबसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और मेरा लीजर डांस तो कोई नहीं मिला। हम लोगों का ये फर्स्ट जॉइंट फाउंडेशन कोर्स था, यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आगे भी कभी भी जब एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो इट विल बी रियली वेरी गुड। यहाँ पे आके मैंने पैकिंग करना सीखा और बहुत ज़्यादा कम नमक का और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी सीखा एंड बहुत अच्छी गली एक्सपीरियंस। It was a nice experience from morning PT call till 5 o'clock lectures and all the scoldings as well as good appreciations by the faculty. हमें एक तरीके से स्टूडेंट से ऑफिसर में ट्रांसफॉर्मेशन करने का फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ है। I think the opportunity HIPA gave during the study tour, including the classes, it was mind-blowing. It was something which made us into an officer. We were just a law student out of the college. Now we feel like we have seen the administration and served the Haryana in a better way.
यहाँ पर आकर हम बहुत सारी सर्विसेज के लोगों से, डिफरेंट लोगों से मिले जिनकी अलग अलग एबिलिटीज थी. हमें बहुत कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज हुआ क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स थे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स इंडिया के, हरियाणा के आके उन्होंने हमें डिलीवर किए. प्लस द टूर हमारा भारत दर्शन वॉज वेरी वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस. हमने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा. प्लस हमें सूरजकुंड, सुल्तानपुर, प्रेसिडेंट हाउस इतनी अच्छी जगह लेकर गए. मतलब हमारी काफ़ी अच्छी आपस में फ्रेंडशिप्स डिवेलप हुई, हमें सीखने को मिला एक दूसरे से. तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक कि आने वाले बैचेस को, आने वाले सिलेक्शंस को जॉइंट फाउंडेशन कोर्स ज़रूर मिलना चाहिए. सबसे अच्छा पार्ट जो था वो था मॉर्निंग एक्टिविटी सेशन, डिसिप्लिन उससे काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट हुआ. और दूसरा ये था कि इंटर सर्विस जो कैमरेडरी और बोनो भी बनी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ. मेरे को लगा कि आगे तक काम आएगा. मेरे को तो जीएसटी का सबसे अच्छा पार्ट लगा इंटरेक्शन वाला पार्ट. आज की डेट में मैं 70-80 लोगों को जानता हूँ. ये फ्यूचर में बड़ी हेल्प करेगा. तहसीलदार को भी जानता हूँ, ईटीओ को भी जानता हूँ, डीएसपीज को भी जानता हूँ. तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा जॉइंट फाउंडेशन कोर्स का जो पर्पज़ था एक हद तक सॉल्व हो गया. वो पर्पज भी था, उसके साथ एक और एड ऑन जो हमें पॉइंट मिल गया ना वो मेंटरशिप वाला भी था. मेंटरशिप वाली को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते. बहुत चीज़ें हमें जो क्लासरूम में नहीं पता चलती थी वो प्रैक्टिकली मेंटर के साथ बैठ के पता चलती. वन टू वन इंटरेक्शन अनदर दर्शन. बिल्कुल बिल्कुल. मेंटर में जो फ़ायदा मेरा, जो जिस आदमी ने, जिस बंदे ने 60 साल या 30 साल 35 साल नौकरी की, जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, उसको पूरा एक्सपीरियंस बिल्ड का, मतलब वो कोई थ्योरी नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. भाई ऐसा होता है काम, किताब वो होती है असल में, ये असल में ही होता. तो वो सब मुझे तो मेंटरशिप सेशन बहुत बढ़िया लगा. वन ऑफ द वेरी इनोवेटिव आइडिया टू स्टार्ट अ जॉइंट फाउंडेशन और आई लाइक. क्लब कमेटीज भी थी, जैसे अमित जी थे मैथ्स कमेटी के चेयरमैन थे. हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. तो जो सीखने को मिला कमेटीज के थ्रू वो भी काफ़ी अच्छा. एक सबसे बेस्ट पॉइंट जो क्लब कमेटी का था कि क्लब कमेटी में डिफरेंट डिफरेंट सर्विस वाले भी थे, तो हर इंसान वहाँ पे अपनी पोस्ट और डेजिग्नेशन को भूल के इक्वली अपना पार्ट ले रहा था और इक्वली अपने सजेशन दे रहा था. तो जिससे कि एक ओपननेस बढ़ती है और पता चलता है कि दूसरी सर्विसेज में जो लोग आए हैं दे आर ऑल्सो मच टैलेंटेड और उनसे सीखने को भी मिलता है. हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द जॉइंट फाउंडेशन कोर्स. भारत दर्शन वाज प्रोबेबली द हाइलाइट ऑफ द JFC. वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्पेशली द cultural experience that we got there was excellent. Got to know a lot of people and I think I'll remember them all of my life. मेरे लिए highlight रही mentor session की, because हमारे mentor sir थे HS Anand sir. Starting में थोड़ा लगा कि headache है, but it was a great experience learning from him. Joint foundation course का main theme ही है camaraderie develop करना और एक दूसरे के साथ कैसे networking और bonding develop करना. So मेरे लिए best part यही था कि मैंने ये चीज़ें develop करी. मेरे लिए कल्चरल इवेंट बेस्ट था, मेरे लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स बेस्ट है, एंड दैट दिस इज अ न्यू लाइफ दैट आई हैव लिव्ड हियर. थैंक यू. वन थिंग व्हिच आई वुड अप्रिशिएट हिपा फॉर इज दैट इवन ड्यू टू स्मॉल इवन डिस्पाइट अ स्मॉल टाइम वी हैड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पार्ट व्हिच वाज नॉट टच्ड अपॉन. वी हैड द एथलेटिक मीट, देयर वाज अ ट्रैक व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर मार्गरेट एंड वी रियली एंजॉयड इट. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. हमारी कई इश्यूज़ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होती थी, ग्रुप मॉक्स होते थे, और इससे हमें अपने इंटरव्यूज़ के लिए ही नहीं, वैसे भी अपनी सर्विस के लिए भी, जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में हम लोग आगे जाएंगे हमें उसके लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स कैसे लेने हैं, कैसे कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, और इवन अपने इंटरव्यूज़ में भी हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है. तो वो सबसे अच्छा पार्ट मुझे सिंडिकेट ग्रुप लगा. द एनवायरनमेंट क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्लास इज़ वेरी एनकरेजिंग एंड पार्टिसिपेटरी. We are given the schedule of the classes well before in advance so that the OTs can get themselves acquainted with the topic beforehand. When I think of the morning PT, things that come to my mind are young officer trainees breaking sweat at the tune of instructor's command, or a few taking a stroll at the back with the face mask on, and all this made it an enriching experience. It was really humbling to learn about all the practices that were being followed in the state to make the everyday life of citizens as fruitful as possible. ना कोई शिकवा ना कोई गिला है, खुशकिस्मत है बंदा जो आप सबसे मिला है. अब है अपने अलविदा कहने की बारी, दुआ यही है खुशियाँ मिले आप सबको. सर साइन. We are proud to serve.